हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज दीपिका है ऑफिस और उसके लिए हम ब्रेकफास्ट बना रहे थे। आज ब्रेकफास्ट में है इसमें रोटी और सब्जी और उसके साथ चाय। वो खा के अभी ऑफिस चला जाएगा। आज वो बाइक लेके जाएगा ऑफिस और वो गया है नहाने के लिए। नहा के आके ब्रेकफास्ट करेगा और फिर ऑफिस के लिए भागेगा। तुम्हारे लिए रोटी सब्जी चाय सब रेडी है और तुम लेट कर रहे हो। लास्ट मोमेंट में बोलता है कि मैं चश्मा कहाँ है, खोजो सब, मम्मी नीचे, मैं इस तरफ, वो पूरा ऊपर ऑफिस में खोजे, बहुत खोजे, नहीं मिला। फिर वो ऐसे ही चला गया था। आज पता नहीं उसको मिल गया और बोलता है कि मैं छुपा दी थी। मैं कभी कभी छुपा देती हूँ जब मेरे पे गुस्सा करता है, नहीं तो मेरे पे चिढ़ता है, मैं छुपा देती हूँ उसका चश्मा। और ये तिरुपति का प्रसाद है, खाओ। जितना खाना है खाओ, गर्मी मन नहीं करेगा। पोहा खाओगे? पोहा भी बना हुआ है। और अभी पोहा माँ इतना मेहनत करके तुम बनाए और खाओ। अगर हमको कुछ भी चीजें लाना होता है ऊपर से नीचे से, अगर मिकी है हाँ एग्जैक्टली, हमारा घर का पोर्टर सर्विस, हम लोग उसको भेजते हैं, मिकी जाओ ये लेके आओ, और मिकी लेके आती है। अगर नहीं लेके आती है फिर हम उसको सुनाते हैं। हाँ चल लेके आती है, अभी दीप भेजा था। फाइव स्टार रेटिंग मिकी, एक थोड़ा सैलरी मिली वो पांच टका। एबे मैं तुझे ट्रांसफर कर चुकी गूगल पे। अभी मेरा हाथ का मेजरमेंट होगा, मेरा हाथ कितना इंच का है? 7 इंच का है। कितना? 7 इंच का, मुझे लग रहा था 6 इंच का है। मिकी का कितना है? तुम दोनों हर एक चीज में सेम, ऑलमोस्ट 6 से थोड़ा कम। तुम्हारा दिखाओ। मेरा भी, मैं 7.5। 7.5 छोटा सा हाथ है। तो क्या जायंट हाथ लेके मैं क्या खली का भाई हूँ ना? नहीं, बाइक का डिप इज रेडी। आज मिकी का ऑफिस नहीं है, ए मतलब मिकी का कॉलेज नहीं है। दीप तो चला गया है ऑफिस और मैं नहा धो के भी आ गई। अभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे क्योंकि मैं तब ब्रेकफास्ट नहीं की थी। ब्रेकफास्ट करने से पहले मैं भगवान का प्रसाद खा ले, तिरुपति जी का प्रसाद है, बहुत कुछ है। उसके लिए ब्रेकफास्ट भी बना लिए थे, वो खा के नहीं गया, उसको खाना पड़ेगा। कल रात में मम्मी पूरी बनाई थी तो मैंने बोला था 2 रखने के लिए, मैं चाय के साथ खाऊंगी, वो भी है। मिकी और मैं जा रहे हैं घर का कुछ सामान लेना है, बहुत धूप हो रही है और मिकी रेडी हो गई है और मिकी आज ड्राइव करेगी, मैं बैठूंगी पीछे। तू ग्वालियर को ड्राइव करी हो मसलर को? मैं बोल रही हूँ वो जाते वक्त चलाएगी, मैं आते वक्त। हम स्कूटर लेके जा रहे हैं, दीप तो बाइक लेके गया है और हम, मुझे बाइक चलाना नहीं आता ऐसे भी, तो स्कूटर लेके ही जाएंगे। धूप हो रही है, बस एक पानी बोतल ले ले। तो पानी बोतल लेके जाएंगे, ऐसे ही देखेंगे। आज ऐसे कुछ करने के लिए नहीं, और आज कोई मिस्त्री वगैरह भी नहीं आए हैं, तो ऐसे सोच रही थी कि घर पे बैठ के बोर क्यों होना है, थोड़ा सा चलो आज चलते हैं। अभी हम लोग आ गए हैं एक नर्सरी में क्योंकि दीप को चाहिए था वाटर लिली, तो सोचे कि एक बार देख के चले जाते हैं। और यहाँ पे है बट इतना अच्छा कंडीशन में नहीं है, और ये 500 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं, और 500 रुपीज़ के लिए मुझे वर्थ इट नहीं लग रहा है। तो मैं वाटर लिली तो नहीं ले रही हूँ, बट एक हाइबिस्कस लेके जा रही हूँ। तो ये सब वाटर लिली है, 500 रुपीज़। हाँ यहाँ पे फ्लावर हुआ है। ये वाला प्लांट भी हम बहुत दिन से खोज रहे थे, यहाँ पे मिल गया, तो ये मैं साथ लेके जा रही हूँ। साथ नर्सरी से जो लेना था ले लिए, बट लोटस नहीं मिला, और वो बोले कि 10 दिन के बाद न्यू स्टॉक आएगा, और ये सीजन भी नहीं है लोटस का, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। 10 दिन के बाद कॉल करेंगे, अगर मिलता है तो मिलता है, नहीं और कहीं देखेंगे। हाँ ये तो बहुत ही छोटा हो जाएगा, और ये भी अच्छा है। तो यहाँ पे बहुत सारे रग्स है बट हमको हमारे मेजरमेंट के हिसाब से नहीं मिल रहा है। मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा ये वाला, इसमें हायरो का बाल भी दिखाई नहीं देगा। हम लोग जिसे खोज रहे थे वैसे तो नहीं मिला, और थोड़ा सा देखते हैं। सॉल्ट पेपर एग के शेप में, सेरामिक का है, फिर से वही सब स्टील प्लास्टिक के बर्तन, बट इस बार मैं और कुछ नहीं लूँगी क्योंकि मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और हम लोग जो भी खोज रहे थे कुछ नहीं मिल रहा है, तो अभी चलते हैं डीमार्ट। जी बताओ, तो डीमार्ट चलते हैं। देखिए चॉकलेट्स
मैं घर आ गई और मैं डीमार्ट नहीं गई, बस हम लोग रास्ते से फ्रूट्स लेके आ गए। आज मुझे मैंगो मिला और पूरा अच्छा वाला मैंगो। मैंगो 1 kg लेके आई और उसके साथ ग्रेप्स, बड़ा बड़ा फ्रूट्स लेके नहीं आई, सब छोटा छोटा। मैं देखी कि इतने सारे लोग एक छोटा सा फ्रूट के शॉप में ऐसे लाइन लगा के खड़े। मैं सोची कि नहीं, अच्छा फ्रूट्स मिल रहा है, जाके देखती हूँ। जाके देखी, मैंगो बहुत अच्छा लगा मुझे देखने के बाद। और ग्रेप्स, बड़ा ग्रेप्स भी मीठा लग रहा है, छोटा ग्रेप्स भी मीठा लग रहा है, और मैंगो बहुत अच्छा है। मतलब इतने सारे लोग kg ले रहे थे, बट मैं पास में है तो मैं कभी भी जाके ले सकती हूँ। तो मैं सोची कि नहीं, 1 kg लेके जाती हूँ। आह, बहुत स्मेल कर रहा है। दीप आने के बाद आज मैंगो खाएंगे, और उसके साथ दीप को अच्छा लगता है ये चिक्की, बादाम का चिक्की और बेक चिक्की। यही चिक्की लेके आई हूँ और कुछ नहीं। हाँ, और प्लांट्स लेके आई हूँ। मिकी रो हालत करो, वही पी उठी, मिकी आके छास पी रही है। आज मिकी के बाल पे करेंगे कर्लिंग, वो भी ये वाला जेल यूज करके। ये मैं खुद के लिए ऑर्डर की थी, बट मेरे बाल लंबे हैं ना, और ये जेल लगा के उसको करने में बहुत टाइम चला जाता है। तो मैं इसलिए सोची कि मिकी के बाल पे ट्राई करती हूँ। और मिकी तो हमेशा रेडी हो जाती है कुछ भी एक्सपेरिमेंट करवाने के लिए, इसलिए मैं कर रही हूँ। तो जेल लगाने से पहले मैं क्रीम का यूज कर रही हूँ। फेड़ा फेड़ा है कि शैम्पू? ना। तो अभी हम ये हेयर जेल लगा लेंगे और उसके बाद स्टाइल करेंगे। मैं इतना कर्ल करी वो पागल हो चुकी है। देख बिना ये रे बड़ा एक बड़ा अधिक कर्ल बची तो रे इतने अधिक स्ट्रेट है। और भी टाइम लगेगा, फिर देने से मैं सब कुछ कर्ल कर दूंगी। हार सुखी की मोरी गई। हे फॉलो ची, हे हिंदी भी तो कर्ल। हे ना, शैम्पू करना नहीं पड़ेगा, वैसे ही रखना पड़ेगा। हाँ, उसको ये प्रोसेस बहुत ज्यादा बोरिंग लग रहा है, तो मुझे वो मना करे करने के लिए, तो मैं उसका नहीं कर रही हूँ। बोल रही कि टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं अच्छा पढ़ाई वढ़ाई कर लूँ, तो मैंने और उसका नहीं किया। मुझे लग रहा है दीप भी आ गया है, मैं जाके दरवाजा खोल दूँ। और दीप आज क्या गाड़ी में, उसका क्या हुआ है, अभी वो स्टोरी बताएगा। बाइक में एक बाइक गिर गया, दब गया, वो ट्रैक्टर बाइक के ऊपर चढ़ गया, समझ भी नहीं आया। मेरी बाइक के ऊपर गिरा, और क्योंकि ट्रैक्टर पीछे की तरफ जा रहा था ना, बाइक भी खींच गया, और मेरा जो ब्रेक पेडल है वो थोड़ा खींच गया, वो निकल गया। तो अभी वही बाइक को हुआ, मेरा हार्ट हो रहा है। हार्ट को फिर से पकड़े, मैं थंबनेल में डाल दूंगी फिर। और दीप अर्बन लैडर से ऑर्डर किया है दो, पता नहीं क्या ऑर्डर, स्टूल या क्या, स्टूल ऑर्डर किया है, वो आ चुका है। बट इंस्टॉलेशन के लिए आएंगे वो लोग 2 दिन के बाद, इसलिए मैंने हमने ओपन नहीं किया। कल आएंगे, तो फिर कल आएंगे, तो कल हम लोग ओपन करेंगे, दिखाएंगे क्या ऑर्डर किया है। बट दीप जो भी ऑर्डर किया, मुझे इतना भी पसंद नहीं आ रहा है, बट ठीक है, एक बार रख के देखेंगे इसको कैसा लगता है, उसके बाद रिटर्न करेंगे, नहीं तो रख लेंगे ना। क्या लड़की, लड़की को क्या रखो। अरे मैं उसके हेयर में ना आज लगाई थी, क्या बोलो तो, वो कर्ल वाला क्रीम, तो दो करते करते उसको दिमाग खराब हो गया, और उसके बाद उसको वो अच्छा नहीं लगा, तो क्लीन कर दी। आइसक्रीम नहीं, छाछ दे रही हूँ। ये लो मसाले वाली छाछ। तीखा तीखा लग रहा है ना। मम्मी बनाई थी हमारे लिए कोकोनट और मिल्क और शुगर का आइसक्रीम, ये हम बचपन में बहुत खाते थे। मम्मी इस बार बनाई है, इसके साथ मिकी को देते थे।
ये बचपन का आइसक्रीम, इसको खाने के लिए 1 रुपीज का आइसक्रीम, 1 रुपीज था या 10 रुपीज? मम्मी क्या बनाई है? 1 रुपीज था ना, व्हाइट कलर का। ओहो, डिप 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 करके बजा के आता था ना, उसे निकाल देता था। हमारे घर में ये गर्मी के टाइम में ना हमेशा ही बनता है। हम लोग कॉलेज से जब आते थे, मम्मी एक एक पकड़ा देती थी। हमारे ऐसे आइसक्रीम स्टिक से नहीं बनता था, आइस क्यूब का वो जो ट्रे नहीं होता था उससे बनता था। नहीं, मम्मी क्या करती थी, ग्लास के अंदर स्पून डाल के उसमें बना लेती थी, काठी वाठी नहीं। अरे अपग्रेड करी क्या, हमें तो आइसक्रीम थे नहीं क्या उससे। हाँ, मम्मी अपग्रेड क्या करी ना, हम लोग के लिए आइसक्रीम ले आती थी और उसका स्टिक रख लेती थी और उसको रीयूज कर लेती थी ऐसे स्टिक बना के, और हमारा ग्लास में बनता था, उसका मोल्ड जो था ना छोटा छोटा ग्लास। गाड़ी में क्या थोड़ा सा कुछ हो गया, कल जाएगा चेकअप करने के लिए गाड़ी का। गाड़ी बैठ के तो कुछ बोल नहीं सकते, नहीं नहीं। और मेरा जो दांत में वो प्रॉब्लम है, हमको जो डेंटिस्ट के पास जाना है, कितने एक साल से बोल रही हूँ। तुम इंसान हो, बोलती है। hey! मेरा स्केलिंग करना है दांत, मैं मिकी को लेके फिर चले जाऊंगी। मिकी बोली कि मतलब मैं जब गाड़ी चलाती हूँ ना, उसको मक्खन जैसे लगता है। सीरियसली कहाँ है गाड़ी चला। और बोलते, और वो बोली कि तुम जब उसको छोड़ने जाते हो ना, वो बोली कि मुझे लगता है कि जैसे मैं पहाड़ के ऊपर चढ़ चढ़ के जा रही हूँ। तो वे सॉर्टेड, सुबह अभी सुबह शाम तुम जाओगी मक्खन राइड। मक्खन राइड तू जो कॉइल हो नी, तू अच्छी कॉइल हो, अच्छी केम लगला तत्ते ड्राइविंग था कल तो तत्ते उठेगी। ना तू अच्छी कहो, तुम जो भी करो मेरे को अच्छा लगेगा। क्यों? तुम दोनों डीएनए शेयर करते हो। मैं नहीं करता वादा। तो अभी ना बट ये सॉर्टेड, तुम उसकी पर्सनल उबर। नहीं मैं नहीं हूँ, सुबह सुबह जाएगा मिलती। बटर तुम मैंगो खाओगे, हम तुम्हारे लिए वेट। बटर राइड, बटर नहीं मक्खन, मक्खन राइड। मैं प्लांट्स में पानी दे रही थी और थोड़ा सा वेट नहीं कर पाए, मैंगो खा लिए। कितना सही मैंगो है, 80 रुपीज किलो। अच्छा नहीं है मत खाओ, मैं सब खा लूंगी। मुझे सीरियसली काफी अच्छा लग रहा है, दीप को हम नहीं देंगे, मिकी और मैं खा लेंगे। मैंगो खाने के बाद अगर ग्रेप्स खाते ना खट्टा लगता है। अभी नहीं थोड़ा, आधे घंटे का बफर दो। आधे घंटे का बफर दो। मैं सब काम खत्म करके आई और ये लोग मूवी देख रहे हैं। बाय द वे कौन सी मूवी है, कौन सी मूवी है? क्या नॉक है? बस दमशरथ खेलते हैं नॉक। घर ठक ठक, ये ठक ठक की तुम नॉक बोली, अब ठक ठक हो गई। क्या और एक बार प्लीज अच्छा लग रहा है ऐसे। बस खत्म। एक घर में ठक ठक, घर है ना, इंग्लिश मूवी घर गिनती है मतलब। नॉक होम ठक ठक की सेंटेंस फॉर्म कर। नॉक होम ठक, नॉक हाउस ठक ठक, नॉक हाउस नॉक इटसेल्फ इज ठक ठक, नॉक आउट विरोच ठक ठक। क्या इतना रद्दी मूवी, क्या एट द कैबिन, नॉक एट द, ये एट द कैबिन, तुम ऐसे कैबिन को बोलोगे? नॉक एट द डोर ही होता है, मैं क्या करूं, घटिया तुम एक्टर। दीप बोला कि मुझे अभी मैगी खाने को मन कर रहा है और ऐसे कुछ भात वगैरह खाने को मन नहीं कर रहा है, और मम्मी दीप के लिए मैगी बना के लेके आ गई और हमको भी वही मैगी खाना पड़ेगा। वही मैगी क्या तुमको मैगी? मुझे अभी और कुछ खाने को मन था, मुझे पता नहीं, बट मैगी तो नहीं अभी, मैगी रात में खाने का सोच रही थी। अच्छा ना वो मैगी नहीं खाती है, मैगी मैदे से बना है ना, वो नहीं खाते, फिटनेस फ्रीक। मूवी देख के समझ नहीं पाए, फिर एक्सप्लेन देख रहे हैं। एग्जाम आज का ब्लॉग को फिर यहाँ पे एंड करती हूँ और आप लोगों के साथ मिलती हूँ एक न्यू ब्लॉग के साथ। और आज तो छत का कंस्ट्रक्शन का काम कुछ स्टार्ट नहीं हुआ, पता नहीं वो लोग डिले कर रहे हैं। ठीक है, जब जैसा होगा मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और अगर अच्छा लगता है वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। बस 30 सब्सक्राइबर हो जाने के बाद हमारा 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं।
तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए। टाटा, गुड नाइट, टेक केयर।